नमस्कार, मैं हूं प्रेम प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज मैं ऊना संसदीय सीट के चंदेरी शहर में हूं और यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चुनावी माहौल है, यहां से ऊना संसदीय सीट से बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस से यादवेंद्र राव हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ ये जो इलाका है, कहा जाता है जो ऊना संसदीय सीट यादव बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ पे सियासी मिजाज क्या है, लोग यहाँ के बारे में क्या सोच रहे हैं और किन मुद्दों पे वोटिंग करेंगे। 7 मई को यहाँ पे वोटिंग होना है तो यहाँ के लोगों से जानते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? झंडे सिंह। झंडे सिंह, तो क्या है यहाँ पे चुनावी माहौल? नेताजी का पूछो भी यम मुख का, तो आप बताओ ना। अरे आप बताओ नेताजी, आप बताओ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और श्रीमंत सिंधिया जी को जिताने के लिए यहाँ का क्षेत्र की जनता आतुर है। सभी लोग भारी बहुमत से यहाँ विकास एक अवरुद्ध हुआ है उसको पुनः स्थापित करने के लिए लालियत है। और सिंधिया जी के बारे में जग जाहिर है कि वो किसी पक्षपात के बिना पूरा ध्येय उनका यहाँ के लोगों के और यहाँ के क्षेत्र के विकास और नई नई योजनाएँ लाने के लिए रहता है। लेकिन लोगों का कहना है कि सिंधिया जी ने कांग्रेस के साथ धोखा किया है। वो तो चुनाव में जनादेश फिर से प्राप्त कर लिया, सारी जगह फिर से सरकार जी को जनता का प्रजातंत्र, तो जब जनता ने दो गांवों में बता दिया कि जी के साथ है जनता, कितना बड़ा किया यादव समाज को गौरवान्वित किया। गौरव की बात है मध्य प्रदेश के अंदर के यादव समाज का यादव मुख्यमंत्री के रूप में। हम लोग बड़ा लक्ष्य देखे, छोटे छोटे टिकटों में विवाद में जाओ को उलझाने का काम। क्या नाम है आपका? नाम गप्पा। क्या है चुनाव? अच्छा, ठीक है। बीजेपी का चुनाव अच्छा चुनाव महाराज जी का। इस बार कुछ टफ नहीं लग रहा है? नहीं, टफ तो कर नहीं है, पिछले बार चुनाव हार गए थे। ठीक है, लेकिन बीजेपी सो चल रहा और चांस भी है बीजेपी का। वोट सिंधिया जी के पड़ेगा, मोदी के नाम पड़ेगा? तो सिंधिया जी को देंगे, अपने आप पहुँचेंगे ऊपर तो। अच्छा, क्या नाम है आपका? युवराज। युवराज यादव, तो क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल भारतीय जनता पक्ष में हर घर भगवा छाएगा, कमल का झंडा लहराएगा। कांग्रेस से तो यादव है यहाँ पे? कांग्रेस से होंगे कोई यादव? हमको तो महाराज सिंधिया जी दिख रहे हैं, कौन हमको नहीं पता। अच्छा जी, यहाँ पे जो लोग हैं वो उनका कहना है कि सिंधिया जी पिछले बार चुनाव हार गए थे। कुछ गलतियाँ हो जाती हैं कभी ना कभी। हाँ। महाराज साहब से भी हो गई थी गलतियाँ। क्या गलतियाँ हो गई थी? अब वो गलतियाँ मुझे तो नहीं मालूम है, उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और हमेशा से रहा हूँ। अच्छा, तो कांग्रेस की गलतियाँ मैंने तब नहीं देखी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी ने महंगाई बढ़ा दिया है। मेरे को तो लगता है राहुल गांधी जी को अपने पिछले 60 साल के कार्यकाल को देखना चाहिए। हाँ। और मोदी जी का वर्तमान का 15 साल का और अभी जो आने वाले 5 वर्ष का जो कार्यकाल अभी उनका होने वाला है उस पर ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी न्याय यात्रा तो मेरे को लग रहा है न्याय यात्रा में परिवर्तित होती जा रही है। हर दिन जिस भी प्रदेश से जिस भी राज्य से गुजरते जा रहे हैं, प्रतिदिन उनकी भारत जोड़ो यात्रा भी ऐसी निकली थी और जिस जिस जगह से निकलती आ रही थी वहाँ वहाँ कांग्रेस टूटती थी। भारत यात्रा नहीं थी, भारत तोड़ो यात्रा, कांग्रेस तोड़ो यात्रा होती जा रही थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? कदम सिंह यादव। मोदी देश हित के लिए वोट करेंगे। पहले फेज में दूसरे फेज में तो वोटिंग ही नहीं हुआ? नहीं नहीं, कैसे हुआ? बहुत कम वोटिंग हुआ। बिल्कुल हुआ, होता है। वोट परसेंट घट गया? नहीं, वो अभी शादी समारोह कारण वोट घटा है। तो गर्मी पड़ेगी तो और वोट घट जाएगा? नहीं, बढ़ेगा अब, और गर्मी बढ़ेगी, मोदी लहर में गर्मी बढ़ेगी। हाँ, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। आपको लग रहा है कि लहर है यहाँ पे? बिल्कुल जी। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं सिंधिया जी फंस गए। नहीं, कौन कह रहा है? मैं पदम सिंह यादव कह रहा हूँ। कौन कह रहा है फंस गए? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये यादव वोट एक तरफा पड़ेगा। नहीं नहीं, कांग्रेस ने यादव को टिकट काट दिया। वो देखो, पार्टी जो तय करती है टिकट, भाजपा सरकार है, वो जिसको टिकट दे उसको अहमियत है, पार्टी तय करती है उसके लिए। क्या है चुनावी माहौल यहाँ पे? चुनावी माहौल बीजेपी का है। अच्छा, मैं कुंवर सिंह यादव हूँ। कुंवर सिंह यादव हूँ मैं। अच्छा, कुंवर सिंह यादव। हाँ, तो यादव को वोट नहीं करोगे? नहीं, आपको वोट क्या, पार्टी में वोट करेंगे। अच्छा, तो अशोक नगर में तो सारे यादव एक तरफा वोट कर रहे हैं। कर रहा हूँ वो, ठीक है, लेकिन क्षेत्र में नहीं कर रहा। अच्छा, पार्टी को वोट देंगे, बीजेपी को। तो यहाँ किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है? पार्टी के मुद्दे पे चुनाव, कांग्रेस बीजेपी। हाँ, तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ा दिया है बीजेपी ने। सुनो, वे तो अपनी अपनी बातें सब रखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा,
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर शिशुपाल यादव। तो क्या है यहाँ पे, यादव लोगों का टक्कर है सिंधिया जी से? नहीं, इसमें यादव का कोई माहौल नहीं है। तो जी की टक्कर है सिंधिया जी? बराबर रहेगी, बराबर है ना। फंस गया जी, फंस गया जी ना। मैं बता, ये एक किस्सा बेटा, एक क्षेत्र का बेटा, इसमें चुनाव फंस गया है। किसान का बेटा फंस गया, सिंधिया जी फंस गया? नहीं नहीं, किसान और एक मजदूर का बेटा है। एक क्षेत्र के बेटा को पब्लिक यहाँ की सोच रही है। अच्छा, वोट करेगी? वोट करेगी, बराबर करेगी। अच्छा, सिंधिया ने तो यहाँ पे बहुत सारे काम कराए हैं। कुछ नहीं किया सिंधिया ने, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बुनकरों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है? क्या, बुनकरों के लिए बहुत काम किया है? नहीं नहीं, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ। यहाँ की मतदाता अगर कोई क्षेत्र का नेता चुनेगी तो क्षेत्र के लिए काम होगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, आप राजगढ़ लोकसभा में जाके देख लीजिए, सागर लोकसभा में जाके देख लीजिए, कितना विकास हुआ, लेकिन यहाँ पे सिंधिया जी ने कुछ नहीं किया। सिंधिया जी बिल्कुल खाली खाली, कुछ नहीं किया। अच्छा, आइए एक बार आपसे, आपका शुभ नाम क्या हुआ? हाँ, मुजफ्फर अंसारी। हाँ, तो क्या है चुनावी माहौल यहाँ पे सिंधिया? चुनाव माहौल तो अभी तो यहाँ तो हमारे महाराज सिंधिया साहब का दिख रहा है। अच्छा, अब वोटर का क्या रुझान इनसाइड होता वो नहीं जानते, लेकिन दिलों से तो जो जो जिस तरह बात हो रही है वो तो महाराज सिंधिया साहब को। सब पहली बार पूरे सिंधिया परिवार को चुनाव में उतरना पड़ा है। अच्छा, उनको भी पता लगे कि क्षेत्र क्या है, उनको रूबरू होने का पता मौका लगा। उनकी पत्नी बेटी सब लोग, मैं आज तक कोई और नहीं लड़ा यहाँ। हाँ, ये तो हम कह सकते हैं, हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई नेशनल लेवल के दूसरे लीडर सिंधिया के एडवर्टाइज उसमें प्रचार में आ रहा है। पहली बार चुनाव प्रचार में हमने ये सुना तो हमारे अमित शाह जी भी आए, लोग आने की बात चल रही है, लेकिन अच्छा है, जनता से रूप में से उनकी समस्या तो उससे जीतती है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे उससे टक्कर मिल रही है? ये चंदे तो इसे तो हम नहीं बता सकते, गाँव का क्या है चंदेरी का तो बता सकते हैं, बीजेपी है। हमें मालूम नहीं है भैया, हमें मालूम नहीं, बिल्कुल मालूम नहीं है, कोई मालूम। क्या चुनावी माहौल है यहाँ में? चुनावी माहौल क्या है यहाँ पे? बीजेपी का जीतेगा, बीजेपी का जीतेगा। कौन है बीजेपी से प्रत्याशी? ज्योतिराव सिंधिया। अच्छा, सिंधिया जी है? सिंधिया जी ने कुछ किया है आपके लिए? यार नहीं सर, पार्टी का बोल है, हम तो पार्टी में है, हम 64 से पार्टी में हैं। अच्छा, पार्टी में है शुरू से? 64 से। अच्छा, और हम और हमारा बच्चा को सौंप दिया, पूरे ने प्रचार कर रहा। लोग तो कह रहे हैं कि सिंधिया जी फंस गए यहाँ पे। नहीं, कोई नहीं फंस सकता, तो सिंधिया जी का है। अच्छा, ये पक्का है सिंधिया जी जीतेंगे। अच्छा, हाँ, और आगे कुछ नहीं किए थे, आगे कुछ नहीं क्या हुए। तो ये चंदेरी जो शहर था जहाँ जो ज्यादा लोग सिंधी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिंधिया जीतेंगे, लेकिन क्यों जीतेंगे नहीं बता पा रहे हैं, और सिंधिया पूरा परिवार यहाँ प्रचार के लिए उतरा है, पूरा अपना संसदीय सीट चंदेरी प्रेम प्रताप सिंह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।